हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आज हम जानेंगे अपने एटीएम के माध्यम से अपना पैसा कैसे जमा कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, आए दिन हमें अपना ही पैसा जमा करने के लिए बैंकों में काफ़ी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, उसके बाद जो है हम अपना पैसा डाल सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो एटीएम है, हम उस एटीएम के माध्यम से ही, उसमें डबल एटीएम लगे होते हैं, उसमें एटीएम के माध्यम से अपने समय को बचाते हुए जो है अपना पैसा डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, आप अपने एटीएम से डायरेक्ट पैसा कैसे डालें इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये हम एटीएम में पहुँच चुके हैं। यहाँ एटीएम में राइट साइड में आपको चार बटन दिख रहा है, सबसे नीचे वाले पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद से फ्रेंड्स, आपको फिर से दोबारा उस पर जो है सबसे नीचे वाले बटन को क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको उसके बाद जो है कुछ इस टाइप का आगे इंटरफेस दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो है डिजिट एंटर कर देना है। पूरा अकाउंट नंबर जो है आप अपना डिजिट कर दें। इंटर करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यानी आपका जो राइट साइड में चार बटन जो दिख रहा है, उसके तीसरे नंबर पे जो बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, ये आपसे प्लीज़ री एंटर योर अकाउंट नंबर फिर पूछेगा। आप वापस से वही अपना अकाउंट नंबर यहाँ इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स, वही आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ आगे फिर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस लगेगा। प्रोसेस के बाद आपको आपका नाम, जिस खाते से आपका नाम है वो नाम यहाँ पर दर्शा देगा। अगर सही है तो कन्फर्म पे यस कर दीजिए। उसके बाद फिर आप कन्फर्म एंड प्रोसेस, आपका पैसा दिखा देगा जो आपका पैसा है। उसके बाद आप अपना जो नोट है, नोटों की याद रखें, नोट का जो एक साइड से यानी सब सीधे तरीके से आप यहां पर इस तरीके से डाल दीजिए नोट सीधा करके। उसके बाद सिंपली प्रोसेड पे आप क्लिक कर दीजिए, कंफर्म एंड प्रोसेड सेकंड नंबर पे। उसके बाद फ्रेंड्स, प्लीज़ वेट वाइल योर कैश इन बैंकिंग स्टोरेज दिखाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एटीएम पे सामने जो स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपका कितना पैसा, 500 का कितना नोट, 1000 का कितना नोट, 2000 का कितना नोट, आप अपने हिसाब से डालिएगा। बैंक में 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट अनिवार्य नहीं है। 100 से लेकर जितना भी नोट है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त 40,000 है। कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक किया सेकेंड नंबर पे। उसके बाद योर ट्रांजेक्शन अंडर प्रोसेस, ये आपके नोट की काउंटिंग करेगा। अगर आपका नोट जाली वगैरह के फटे चटे हैं तो आपको वापस कर देगा, और नहीं तो ये आपका जो है प्रोसेस में लेकर के थोड़ी देर टाइम लगाएगा, उसके बाद ये आपको डन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ जाएगा, और साथ में फिर आपको रिसीविंग एक रिसिप्ट जो है मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट पे लाइट जलने लगा है, मुझे एक पर्ची भी मिल गया है, और मेरा जो ट्रांजैक्शन है पूरी तरह से सक्सेसफुल मेरे खाते में चला गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप सिर्फ पीएनबी का ही। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप अपना पैसा जो है बिना समय गंवाए अपने एटीएम के माध्यम से आसानी से जो है अपने खाते में या किसी अन्य के पीएनबी खाते में जो है डाल सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।